नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपके सामने मौजूद है जहां पर आपको बताएंगे बिहार के चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें लालू यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं इस्तीफा देने के तुरंत बाद नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी, जिसके बाद बिहार की सियासत को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर नीतीश सरकार में अपने ही मंत्री एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ में जबरदस्त तरीके से अस्थिरता का माहौल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में, और यहां तक कि दोस्तों मंत्रियों के बीच में विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त सरकार को कर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। और इस बीच लालू यादव से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, जिसके बाद आपको बताएंगे क्या कुछ और बड़ी अपडेट इसके संदर्भ में आ रही है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतापगढ़ की सीट से चुनाव जीतने वाले राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर परिणाम घोषित होते ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों सहित जिला पंचायत सदस्यों को जेल भेज दिया। और इसी के साथ में आपको बताएंगे आजमगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी का जबरदस्त तरीके से परचम, वहीं पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल क्या मिलकर लड़ेंगे चुनाव, को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर आ रही बड़ी अपडेट के बारे में, एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या नीतीश कुमार सरकार जल्द ही जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं उसके बाद से हो सकता है कि सरकार ज्यादा दिन ना टिके। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल है। इस्तीफे के ऐलान के 52 घंटे के बाद ही मदन सहनी दिल्ली चले गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात किए बिना दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं, और दिल्ली में जाकर लालू यादव से मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर कई दिनों से लालू प्रसाद यादव रहते हैं, और ऐसे में बिहार के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अपने ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे और अफसरशाही को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। और ऐसे में बिहार सरकार के श्रम मंत्री के साथ उनकी जबरदस्त बहस देखने को मिली है। कुल मिलाकर बिहार की सरकार बेहद ही थिन मेजोरिटी के साथ काम कर रही है, यानी 110 सीटें महागठबंधन के पास है, जबकि एनडीए के पास 125 सीटें हैं। और ऐसे में अगर 10-15 विधायक भी इधर से उधर हो जाएंगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर नीतीश सरकार के दो मंत्री आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार के दो मंत्री, सामाजिक कल्याण मंत्री और नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक मदन सहनी के इस्तीफे की धमकी के साथ ही बताया जा रहा है कि श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने सहनी को अधिकारियों के साथ तालमेल से मिलने की सलाह दी, तो नाराज सहनी ने उन्हें अपना ज्ञान अपने पास रखने के लिए कह दिया। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि मैं नेता हूं, दलाल नहीं हूं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने ही विधायक को जमकर फटकार लगाई है नीतीश कुमार के मंत्री ने। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि एक और अपडेट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने गढ़ में शिकस्त देने के बाद रघुराज प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया है। आपको बता दें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी ने अपनी हार को छिपाने के लिए जो बवाल किया है वह जनप्रतिनिधियों के लिए बेहद ही शर्मनाक है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर जीत हासिल करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव में 7 सदस्यों को जीत मिली तो 29 सदस्य कैसे बीजेपी के साथ खड़े हो गए। मोदी और योगी ने भाजपा को शीर्ष तक पहुंचाया, मगर यहां के नेता पार्टी को गर्त में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने, प्रवेश द्वार को तोड़ने की कोशिश करने, पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने की निंदा करते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन विपक्ष के लोग करते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने जो प्रदर्शन किया है यह काफी निंदनीय है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी माधुरी पटेल को मिली जीत के बाद उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछड़ी जाति के महिला को मैदान में उतारा था। इस मौके पर MLC अक्षय प्रताप सिंह और बाबागंज के विधायक विनोद सरोज भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर दोस्तों प्रतापगढ़ से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का समर्थन किया था। और एक और अपडेट की माने तो यूपी के परिणाम घोषित होते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सपा के समर्थकों सहित जिला पंचायत सदस्यों को जेल तक भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद जिले पंचायत अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयवीर सिंह की पुत्रवधु हर्षिता सिंह ने 18 मतों से विजय प्राप्त की। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की रुचि यादव रही, जिन्हें 3 वोट निरस्त हुए, लेकिन जैसे ही मतदान के बाद मतगणना के परिणाम घोषित हुए बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे लटक गए। जैसे ही मतगणना की घोषणा ही पुलिस प्रशासन ने 5 सदस्यों को जिला मुख्यालय पर ही रोक लिया। ये 5 जिला पंचायत सदस्य पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रहे थे। इनको चुनाव तक हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दे रखी थी, लेकिन जैसे ही मतगणना हुई पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य झब्बूलाल निवासी को एका और ऐसे कई सारे और नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अधीक्षक ने बताया कि उन पर न्यायिक तौर पर मामले चल रहे थे, गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। और एक और अपडेट की माने तो आजमगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से
अपने गढ़ में अपना इतिहास दोहराया है, भाजपा को करारी शिकस्त दी है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ की सत्ता को क्या चुनौती देंगे, इस तरह की चर्चाएं इसलिए भी तेज है क्योंकि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से अकेले में मुलाकात करके कुछ राजनीतिक मामले को लेकर चर्चाएं की है। लेकिन इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केवल शिष्टाचार के तौर पर यह भ्रष्ट किया गया था, उनको केवल जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए थे। और एक और अपडेट की माने तो अलीगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी की हार के बाद सुप्रीम कोर्ट अब यह मामला पहुंचने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि वोट डालने के लिए जिला पंचायत सदस्यों को सहायक दिलाने का मुद्दा चुनाव के दौरान भी गर्म रहा। सपा के नेताओं का कहना है कि 17 सहायकों के सहारे चुनाव जीता गया, ये जीत भाजपा की नहीं सरकार की हुई है। प्रत्याशी अर्चना यादव के पति संजय यादव ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यानी कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया जिससे विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। और एक और अपडेट की माने तो राफेल मामले को लेकर चुप्पी साध चुकी सरकार, बीजेपी के नेता और दूसरी ओर देश के मीडिया के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। फ्रांस की सरकार ने फैसला लिया है कि इस बड़े डील की जांच कराई जाएगी। इस मामले की जांच फ्रांस के जज कर रहे हैं और राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं पर वर्तमान के फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले पर जो भी जांच होगी उस पर सहयोग जरूर करेंगे। कुल मिलाकर राफेल भ्रष्टाचार इस बात के संकेत देता है कि भारत के अंदर किस तरह की जांच प्रक्रिया होती है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी बिना डिटेल मांगे हुए इसे मना कर देता है जांच करने से। लेकिन फ्रांस जैसे देश के अंदर जहां पर लोकतंत्र काफी ज्यादा मजबूत है, वहां पर इस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति समेत कई सारे दिग्गजों को भी अब पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको बताया कि उत्तराखंड के नए सीएम अखंड भारत के एक तस्वीर को साझा करके फंस गए हैं। आपको बता दें कि उनकी पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें अखंड भारत का सपना दिखाने के लिए उन्होंने एक ट्वीट करते हुए एक नक्शा शेयर किया जिसमें भारत का लद्दाख का क्षेत्र और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र अखंड भारत के इस तस्वीर से बाहर है, जिसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि क्या कद्दावर नेता उत्तराखंड के अंदर इस बार एक बड़ा बगावत करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।